आध्यात्मिक जीवन में भी इंसान रह सकता है और अपने उस आध्यात्म को भी पूरा कर सकता है। श्वेता, मुझे आपकी आवाज बहुत कट-कट के आ रही है, बहुत क्लियर आवाज नहीं आई है, लेकिन हाँ आप समझना जरूर चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का जो नया वीडियो, जो फोटो सामने आया है कि किस तरह से प्रधान सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और ये ध्यान साधना कर रहे हैं। ये 45 घंटे की लंबी ध्यान साधना है। मैं उस जगह की तस्वीर दिखाऊं जहां प्रधानमंत्री पिछले करीब 15-16 घंटे से अभी ध्यान साधना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विवेकानंद मंडपम में ध्यान साधना कर रहे हैं। दरअसल यहीं पर स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति लगी हुई है। कल शाम को एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें जैसे ही उन्होंने इस कक्ष में, इस मंडपम में प्रवेश किया था, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले विवेकानंद की मूर्ति नमन किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में चले गए थे। इसके अलावा इसी मंडपम के पास श्रीपद मंडपम भी है, कहा जाता है यहाँ तीन मंडप हैं। इसमें श्रीपद मंडपम भी है, इस गर्भगृह में देवी कन्याकुमारी के पदचिन्ह हैं, उनके पैरों के निशान हैं, उसको भी प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद वो ध्यान साधना में लीन हो गए। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आई वो बता रही है कि किस तरह से आध्यात्म के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है। और इसके पहले भी साल 2019 में केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री इसी तरह से ध्यान साधना में लीन रहे थे और आज की ये तस्वीर ये संदेश दे रही है कि इस ध्यान साधना के बाद किस तरह से एक नए भारत को बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए और जिस नए भारत का विजन 2047 में प्रधानमंत्री लगातार देख रहे हैं, उस तरफ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम आगे बढ़ाएंगे। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जनता का जो भरोसा है उससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक बार फिर जनता मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी और उस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है उसके लिए जरूरी है कि लंबा तप किया जाए, लंबी कठिन साधना की जाए और आज प्रधानमंत्री यहां पर वही कठिन साधना कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे तक प्रधानमंत्री इसी तरीके से यहां पर साधना में लीन रहेंगे। करीब 15 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हैं और जब इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकलेंगे तो सीधे उनका दिल्ली जाने का ही कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो सूर्य नमस्कार की हो या प्रधानमंत्री के ध्यान साधना में लीन होने की हो, वो ये बता रही है कि आध्यात्म और धर्म दोनों को कैसे साथ लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री धर्म के रास्ते पर चलने की बात कहते रहे हैं, हमेशा से आध्यात्म जुड़ी बातें अलग अलग मंचों पर कहते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रधानमंत्री ने हर जगह, हर मंच पर, फिर चाहे वो रैली हो या फिर यूएन का मंच हो, स्वामी विवेकानंद के विचारों से ही अपने बातों की शुरुआत की है। और युवाओं को किस तरह से स्वामी विवेकानंद मेनस्ट्रीम में लाने की बात कहते थे, वही बात प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं। अब उस ओर किस तरह से काम करना है, उस ओर किस तरह से कदम बढ़ाने हैं, ये तमाम चीजें, ये तमाम जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं, बिल्कुल। और अनामिका, जिस जगह को प्रधानमंत्री ने चुना है, स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ वो स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने इतने दिनों तक ध्यान दिया था, तो जाहिर तौर पर ये संदेश सनातन और हिंदुत्व का भी है। कुछ लोगों से भी बात हुई, किस तरह के लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लेते हैं पहले, फिर चलेंगे आप अनामिका के पास। अनामिका, अगर आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हो तो जरा हम उनसे भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आज जब वहां पर पहुंचे हैं उनके बीच क्या चर्चा हो रही है, वो क्या कह रहे हैं। अनामिका, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुजाता, आपकी, आप दोनों की, आपकी और श्वेता की आवाज मुझे कट के बहुत आ रही है। अब आपकी आवाज मेरे पास आई है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ, आप सवाल अपना दोबारा दोहराएंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी शोर भी है, इस वजह से जानेंगे उनका अनुभव क्या है जो वहाँ पर इस पवित्र स्थान पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी उनके बीच है, अगर लोग हो तो जरा उनका अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। कोशिश करती हूँ एक बार कि यहाँ लोगों से बात कर सकूं, हालांकि यहाँ पर केरला या तमिलनाडु के आसपास के लोग ज्यादा आते हैं, तो मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ कि ये लोग जब प्रधानमंत्री को यहाँ अपने बीच देख रहे हैं तो इनका क्या कहना है और कहाँ से ये सभी लोग आए हैं। मैम, हिंदी आती है? हिंदी आती है? तेलुगु। हिंदी नहीं आती? अच्छा, तो देखिए लैंग्वेज बैरियर है, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा दिक्कत लोगों से बात करने में यहाँ पर होती है, हालांकि गुजरात या महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ कि कहाँ से आए हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं? यस मैम हैं। इस जगह के बारे में पहले जानकारी थी मैम? मुझे पहले से जानकारी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इस जगह पे आकर और अपना मेडिटेशन कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि 400 पार उनके मतलब सीट आ जाए। अच्छा। और केंद्र में तो उनके मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली की सत्ता के लिए पूरी लड़ाई होती है, दिल्ली में बैठे हुए लोग बार बार कह रहे हैं कि मेडिटेशन एक साइलेंट कैंपेनिंग है, आप उस पर क्या कहें? मैम, साइलेंट
प्रेसिडेंट कैंपेनिंग के तो ऐसे ही मैम खुद मतलब 400 पार आ रहा है, ये कैंपेनिंग न भी करते तभी जरूरत ही नहीं है मैम। अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए और गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस जगह पे आकर और इतने मतलब टाइम के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। सर क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी यहाँ रहते हैं यहीं पर? नहीं, बैंगलोर। बैंगलोर से पहले आए? कल ही से आए, सो बहुत मुश्किल होगा कल।